अर्जुन। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ अर्जुन पोषी रखा। जब मैं कहता रहा कि दूर रहो मुझसे, आज रोही भी तो किस बात पे? जब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्या बदल गया? कभी कभी अंगारे भी शबनम लगने लगते और चांदनी भी हाथ जला देती। आप नहीं समझेंगे तो समझाओ मुझे। तो समझाओ मुझे, मैं समझना चाहता हूं। कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि आपके पल पल बदलते मिजाज पर हमें कोई यकीन नहीं होता? एक पल आप हमसे कहते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और दूसरे पल गेट आउट, मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। कभी नफरत, कभी गुस्सा, कभी दोस्ती और अब प्यार। कैसे समझाएं कि इस एक साहिर में अल्लाह जाने कितने साहिर बसे हुए हैं और हम नहीं जानते कि कौन सा साहिर असली है। और अल्लाह नोस हम क्या, आप खुद नहीं जानते कि कौन सा साहिर असली है। प्यार करने चले, प्यार की बुनियाद भरोसे पर होती, यकीन पर होती और पल पल बदलते शख्स पर हम यकीन करें भी तो कैसे? चांद रोज बढ़ता है और रोज घटता है, पर कम से कम वो आसमान में रहता है और आप एक रोज मिजाज जमीन पर तो दूसरे रोज सातवें आसमान पर। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब आप ये नया खेल मत शुरू करें। आप इस लम्हे को कल भूल जाएंगे सर, लेकिन हम इस लम्हे को पूरी जिंदगी याद रखेंगे। हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद देने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम ऐसे शख्स के हम सफर नहीं बन सकते जिसे खुद नहीं पता कि उसका अगला कदम क्या होगा। बीमार है, जब से देख रहा हूँ मोबाइल पे गेम खेल रही है और हॉस्टल में खाने के लिए चाउमीन मंगा रही है। बीमार है माय फुट, नौटंकी। बेबी तुमने कुछ कहा? अब डॉक्टर इनका क्या स्टेटस है अभी? मैंने आपको बताया ना मिस्टर जकी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब वो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर डॉक्टर। इस ड्रामा क्वीन की वजह से मेरी जहां आ रहा का बर्थडे निकला जा रहा है। अब आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर वो मेरी
नहीं संगीता? Yeah, yeah, I know. Zaki loves me a lot. तो मैंने कहा था वो लाए? ऐसा कैसे लाएगा साहब? पहले पैसा फिर काम। ये मैडम का ब्लड सैंपल है। और मैडम क्वेश्चन बहुत कर रही थी, काय को ले रहे हो, एंजाइटी अटैक में ब्लड सैंपल का क्या काम, बड़ी मुश्किल से मिला ये। पर साहब आप अपनी वाइफ का ब्लड सैंपल ऐसे छुपके क्यों ले रहे हैं? अरे वो मेरी वाइफ। जाने दो साहब, आपका मैटर है, मेरे को क्या। वो मेरी वाइफ नहीं है और ना ही कभी बनेगी। और इस ब्लड सैंपल के बाद तो वैसी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। सैम, प्यार ये नहीं होता। प्यार वो होता है जो अब होगा। जहारा, I'm coming. अपने दिल की गहराइयों से, अपने वजूद की सच्चाइयों से कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी हमसफर हो। हम आपसे प्यार नहीं करते, हम आपसे प्यार नहीं करते। अल्लाह, उन्होंने जो कहा दिल उसे सच मानना चाहता है, पर फिर दिल को उनके दिए गए दर्द भी याद आ जाते हैं। हमारे समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। हमने जो किया वो सही था या गलत, अब तो तू ही को इशारा कर मौला, तू ही को इशारा कर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy happy birthday to you. जा रहा? आप नाराज हैं मुझसे? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, और होना भी चाहिए। आपके साथ पूरा दिन बिताने का वादा करके मैं अब दिन खत्म होने के बाद आ रहा हूं। एक तो आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं है, ऊपर से मैंने भी धोखा दे दिया। देखिए, अगर आप मुझसे इतनी नाराज है ना, तो सारा गुस्सा केक पे निकाल दीजिए, चला दीजिए इसमें सारी छुरियां। अल्लाह नोस, हम अपनी उलझन, अपनी परेशानी में सके का दिल नहीं दुखा सकते। अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे या केक भी रखेंगे? बैठिए। काटिए। हाँ, पहले कैंडल बुझाइए, काटिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear Jahara. Happy birthday to you. पहले मैं खिलाता हूँ। ऐसा जहारा, आपके गुलाम आपसे वादा करता है कि सिर्फ आज ही नहीं, आने वाली हर सालगिरह पे आपके साथ रहेगा। टेक्नोलॉजी, आई हेट टेक्नोलॉजी। वन सेकेंड, सॉरी। अल्लाह नोस, आज हम तीसरे दिन लेट हो रहे हैं।
हम तो इतने लेटबाज नहीं थे सर, सर हम टेबल पर ही आ रहे थे। फिर क्या हुआ, कुछ और चाहिए? I'm sorry. ये चाकू देख रही हो, इसके दो वजूद हैं, दो पहलू, एक तरफ धार दूसरी तरफ कुछ नहीं। अपनी धार की वजह से ही ये चाकू है, लेकिन इस तरफ छू लो तो हाथ कट जाए, और दूसरी तरफ कुछ नहीं। मैं भी बिल्कुल इस चाकू की तरह हूं ना, कब कौन सा पहलू देखने मिल जाए मैं समझ में नहीं आता है ना। तो आज के बाद वो साहिर जो चोट पहुंचा है, मैं उस साहिर को तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगा। दिल से माफी मांग रहा हूं, कल रात को जो कहा वो सच है, लेकिन मुझे कहने का हक नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में पहले ही बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं एक और परेशानी नहीं बनना चाहता। मेरे दिल में जो है वो हमेशा रहेगा, शायद नजरों में भी आ जाए, लेकिन सुबह पर कभी नहीं आएगा। क्या आप अब भी माफ नहीं करोगे मुझे? और बात थी, वो मेरे इटली के क्लाइंट हैं, मिस्टर अरोरा, उनके साथ मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग को तुम कंडक्ट करो। जी, हम हाँ, तुम कर सकती हो। और सुना? जी, ऑफिस में मिलते हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी जगह पर बैठने की? मेरी बेटी की जगह पर आरजू बैठ सकती है, तो आपकी जगह पर मैं क्यों नहीं? बदतमीजी ये नहीं साहिर साहब, बदतमीजी तो वो थी जो कल आपके भाई जकी ने की। मेरी बेटी समायरा को अस्पताल में अकेला छोड़कर वो उस आरजू के साथ इश्क लड़ाता रहा। अब आप बताइए साहिर साहब, आपकी नीयत क्या है? आप वाकई जकी और समायरा का निकाह करना चाहते हैं या यूं ही वक्त जाया कर रहे हैं? वैसे वक्त आपके पास बहुत कम है, यूं समझ लीजिए ये एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। रहमान साहब, मैं वादा इंसान से करूं या शैतान से, पूरा जरूर करता हूं। आप फिक्र ना करें, जकी और समायरा का निकाह होकर रहेगा। अब मेरी कुर्सी छोड़िए। साहिर साहब, इस कुर्सी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इस कमबख्त कुर्सी का कोई भरोसा नहीं, जाने कब पलट जाए। हाँ, आप अगर अपने वायदे से नहीं पलटेंगे तो यकीनन ये कुर्सी भी नहीं पलटेगी। चलता हूं। रहमान साहब, जो लोग एक ही दरवाजे पे बार बार कुछ मांगने चले आते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं। अगर खुद की इज्जत करते हैं तो दोबारा इस दरवाजे पे मत आइएगा।
मैं अपना वादा पूरा करूंगा, बशर्त आप अपनी हरकतों से मुझे वादा खिलाफी करने पे मजबूर ना करें। आपकी यही अदा तो कमाल है साहिर साहब, चारों इक्के मेरे हाथ में हैं, फिर भी आपको हारने का कोई खौफ नहीं। इस बाजी में इक्के कितने भी हों, बादशाह सिर्फ एक ही है और बादशाह को खौफ नहीं होता। ये अदा भी आपकी पसंद आई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सो मिस्टर अरोड़ा इज़ हियर, उन्हें अंदर भेज दो, साथ में अर्जू को। यस सर। सर हमारी नई फैशन लाइन के डिजाइन्स और कट्स इंटरनेशनल हैं, लेकिन अपनी सोल से बिल्कुल हिंदुस्तानी। हमारे टारगेट ग्रुप ग्लोबल सिटीजन्स हैं जो कि पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन आज भी अपने दिल में हिंदुस्तान को रखते हैं। साउंड्स गुड, पर आप एक बहुत ही छोटी मार्केट सेगमेंट को कैटर करने की बात कर रही हैं। इतनी छोटी सेगमेंट में हम प्रॉफिट कैसे कर पाएंगे? सर हम सिर्फ ग्लोबल इंडियंस को नहीं बल्कि ग्लोबल सिटीजन्स को कैटर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे कई फॉरेनर्स हैं जो कभी हिंदुस्तान नहीं आए लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान को लेकर एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है। हम अपने डिजाइन्स के थ्रू हिंदुस्तान को उन तक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारा इंडियन होना ही हमारी USP है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप जिन फॉरेनर्स की बात कर रही हैं वो ये ब्रांड खरीदे ही नहीं, हो सकता है कि वो अपने वार्डरोब के साथ एक्सपेरिमेंट करें ही नहीं। सर दुनिया बहुत बड़ी है, हम कुएं का मेंढक तो बनकर रह नहीं सकते, हमें पूरी दुनिया को तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा ना। वन मिनट, व्हाट डिड यू से? मेंढक? मैं मेंढक दिखता हूँ? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेंढक कई सालों से फैशन इंडस्ट्री को रूल करता है। और तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है फैशन इंडस्ट्री के बारे में? क्या जानती क्या हो तुम? कभी तुम इंडिया के बाहर गई भी हो या तुमने कोई इंटरनेशनल फैशन शो देखा भी है? ओ गॉड, आई टेल यू मिस्टर साहिर, आपको एक लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए थी। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से और फैशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स बोलने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। पता नहीं आजकल की लड़कियाँ किस तरीके से इस पोजिशन तक पहुँच सकती। Mr. Arora, if I'm not wrong, आपकी मॉम भी एक सिंगल पेरेंट है ना? आपका ख्याल रखा, आपके घर का ख्याल रखा, आपके बिजनेस का ख्याल रखा, है ना? जी बिल्कुल। वो भी तो एक औरत है। Mr. Arora, औरतें सिर्फ घर नहीं दुनिया भी संभाल सकती हैं। अफसोस ये है कि अब तक आप जैसे लोग इस बात को समझ नहीं सकते। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अरे साहिर साहब ये तो कुछ भी नहीं, डायलॉग्स कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। हिंदी सीरियल ज्यादा देखता हूँ ना तो ओवर एक्टिंग की आदत पड़ गई है। एनीवेज थैंक यू। प्लेजर सर।